हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मिता फूड एंड फैशन। आज यहाँ पर मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, एक चटपटा सा मसाला लेके आई हूँ जो कि आप किसी किसी भी चाट या दही भल्ले या फिर किसी भी तरीके के फ्रूट चाट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बार इसे बना लें तो आप इसको सेव करके करीब बहुत दिनों तक रख सकते हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। और रेसिपी देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून दो टेबल स्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर काला नमक ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून यहाँ पर आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है और इनको हल्का सा भून लेंगे हम। जब थोड़ी देर तक भून ले और जब इसे अच्छी खुशबू आने लग जाए तो इसमें आप 1 टेबल स्पून या फिर 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दें और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको भून लें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है, तो ये मसाला हमारा बनके रेडी है। इस तरह ये मसाला बनके रेडी है। आप इसको चाट में या फिर किसी भी दही भल्ले या फिर आप इसको फ्रूट चाट पे इसको ऊपर से छिटकर खा सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी लगता है।